हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ एमजी ग्लोस्टर के बारे में। तो फ्रेंड, एमजी ग्लोस्टर का लॉन्च डेट से पहले जो इसका इंटीरियर है वो रिवील्ड हो गया है। फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ कि इंटीरियर में किस तरह की जो सीट सेटअप है देखने को मिलने वाली है, किस तरह के जो इंटरेस्टिंग फीचर्स है वो हमें ओनली एमजी ग्लोस्टर में ही जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, एमजी ग्लोस्टर है फर्स्ट टाइम हमें ऑटो एक्सपो 2020 में देखने को मिली थी, जहाँ पर हमें ओनली जो इसका एक्सटीरियर है वही देखने को मिलता था। इंटीरियर जो है वो वहाँ पे रिवील नहीं किया था, बट फाइनली अब इसका जो इंटीरियर है वो भी रिवील हो गया है कि किस तरह से जो इंटीरियर से जो है वो एमजी ग्लोस्टर हमें देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, जो एमजी ग्लोस्टर का फ्रेंड जो इंटीरियर है फ्रेंड, इसके अंदर में ड्यूअल टोन थीम के साथ 10 लेदर अपोलेस्ट्री और कम्प्लीटेड ब्लैक ट्रिम देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर हमें डैशबोर्ड के साथ टस्किन भी जो है वो हमें लेदर कवर देखने को मिलेगा और काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अंदर में 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोमेंट डिस्प्ले और इसके नीचे हमें सीट एसी वेंट्स, क्लाइमेट कंट्रोल बटन्स, नीटली जॉइंट सेंटर कंसोल, एच स्टाइल गियर सिलेक्टर, ड्राइव मोड सिलेक्टर, मल्टीपल बटन्स, जैसे काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो हमें इसके इंटीरियर में देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें जो कंट्रोल्स है वो हमें ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश के साथ और जो स्टेयरिंग व्हील है वो हमें स्पॉटी फ्लैपी पेडल्स के साथ, ये भी हमें एल्यूमिनियम फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके सीट्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, के फ्रंट सीट्स जो है वो हमें इलेक्ट्रिकली पावर्ड और जो सेकेंड रो सीट है वो हमें कैप्टन चेयर्स के साथ और जो थर्ड रो सीट है वो हमें बेंच सेटअप के साथ जो है वो देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, के अंदर में पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जैसे काफ़ी सारे फीचर्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर मैं इसके एक्सटीरियर के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है वो प्रॉपरली रिवील्ड हो गई है। और फ्रेंड, इसके अंदर में एडवांस ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम और फोर व्हील ड्राइव सेटअप भी जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं इसके इंजन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर में 2.0 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो है वो देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर में 218 HP का पावर और 480 Nm का जो टॉर्क है वो हमें देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, जो इंजन है वो हमें 8 स्पीड यूनिट के साथ जो है वो देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, इसके अंदर में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी जो है वो देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर में 224 HP का पावर और 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स, दोनों गेयरबॉक्स जो है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। डीजल में हमें ओनली ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स ही देखने को मिलेगा और पेट्रोल में हमें दोनों ट्रांसमिशन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल तो एसयूवी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रिवील हुई है जो मैंने आपको बताया। और भी अगर इसके बारे में कुछ नई डिटेल्स आती है तो जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।